What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, आज हम इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. पहली यूनिट में आपके पास तीन चैप्टर्स हैं, तीनों को ही बहुत अच्छे से करेंगे, वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका इंडियन इको भी साथ साथ चलता रहे विद मैक्रो और चीज़ें बहुत अच्छे से बनती चली जाएँ. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलो यार शुरू करते हैं. देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. देखो ये जो किताब है ना, इसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन किन फेसेस में हुआ, किस तरीके से चली. और जो फर्स्ट यूनिट है ये मेनली थोड़ा सा ना आपको पीछे लेके जाएगा हिस्ट्री में कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कैसा था, किस तरीके से हम आज़ाद हुए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, कौन कौन से चैलेंजेस आए, ये सब हम धीरे धीरे आगे चल के इसमें पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो सबसे पहले आता है कि ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें आपको सबसे पहली डेट है जो याद रखनी है कि जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था विद द बैटल ऑफ प्लाजे जो कि 1757 में हुआ था. बैटल ऑफ प्लाजे वॉज अ बैटल इन बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल. तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में एक बैटल हुआ जिसमें ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और इस तरीके से उन्होंने इंडिया में एंटर करना शुरू करा. धीरे 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 इंडिया में एंटर करना शुरू करा. उन्हें दिखाई दिया कि इंडिया तो यार सोने की चिड़िया है, इट इज़ रिच इन रिसोर्सेज और उसके साथ साथ कितनी बड़ी मार्केट है. तो उनको लगा कि हम इंडियन इकोनॉमी को यूज़ कर सकते हैं एज अ फीडर इकोनॉमी. फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो किसी रूलर को फीड करे. तो हमारे केस में रूलर कौन बन गया, ब्रिटिश. ब्रिटिश कहाँ से ऑपरेट करते थे, ब्रिटेन से, ठीक है. और हम लोग क्या बने, इंडिया क्या बना, उनका फीडर इकोनॉमी दैट विल फीड इस पूरे रूल को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कॉलोनियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है. कॉलोनियल सिस्टम में क्या होता है, एक बड़ी इकोनॉमी होती है जो कि हमारे केस में ब्रिटेन थी, जो किसी दूसरी इकोनॉमी को यानी इंडिया को यूज़ करती है एज इट्स कॉलोनी. कॉलोनी का मतलब कि जहाँ से वो रिसोर्सेज लेके जाएगा, जहाँ से वो सारी चीज़ें यूज़ करेगा और फिर इंडिया में ला के ही वो क्या बेचते थे, अपना मशीन मेड सामान बेचते थे. यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, वहाँ से सामान बनाया और यहीं ला के बेचा. इस तरीके से इंडिया को उन्होंने यूज़ करना शुरू करा. तो देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 द रूल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. ये तो एक बेसिक चीज़ है, बस आपको ये पता होना चाहिए बैटल ऑफ प्लाजे 1757. पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का या ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी, कि वो इसको फीडर इकोनॉमी के तरीके से यूज करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी. फाइनली कई सालों के बाद, कई सारी कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी मिली जो आप सब जानते हो 15 अगस्त 1947. और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और हमें ही क्या बेचते थे, अपने फिनिश गुड्स बेचते थे, ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, तो देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल इकोनॉमी थी. सब लोग खुश रहते थे, हम लोग फार्मिंग करते थे, अपने अपने हिस्से का फार्म में सामान ग्रो कर लेते थे, खा पी के खुश रहते थे. कोई बिजनेस नहीं होता था, कोई पैसे की बातचीत नहीं होती थी, सब लोग बस मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करते थे. तो इंडियन इकोनॉमी वॉज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी. प्रॉस्परस का मतलब जहाँ पे सब खुश हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी तरीके का वाद विवाद नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है. दूसरा एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन का मतलब द इकोनॉमी विच इन विच द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर. तो हम लोग आज भी एग्रीकल्चर ही है हमारा मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, तो हम लोग एक एग्रेरियन कंट्री थे. तीसरी चीज़ वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारी कुछ जनसंख्या इंडस्ट्रीज में थी. तो हमारी एक इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी जो कि है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. आज भी अगर आप देखते हो तो हमारे देश में कितने पुराने पुराने टेम्पल्स, कितने पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स जो हाथों से बने हुए हैं. तो हाथों से बनाई गई चीज़ें बहुत पॉपुलर थी इंडिया की, ठीक है. तो कैसी इकॉनमी थी, प्रॉस्परस इकॉनमी यानी सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस. उसके बाद एग्रेरियन, मेनली एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. और वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट का मतलब कि हम लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से जाने जाते थे, चाहे वो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स की बात हो, चाहे वो मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स की बात हो, हर तरीके का चीज़ें बनती थी, ठीक है. इसके बाद आता है बेटा जी, हमारे देश में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने उस टाइम पे नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी. वो कौन कौन है, वो थे हमारे पास दादा भाई नरोजी,
विलियम डिग्बी, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, फिनले शिराज, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और जो सबसे एक्यूरेट थे इनमें, जिन्होंने सबसे एक्यूरेटली हमारे देश की नेशनल इनकम एस्टिमेट करी थी, वो थे डॉक्टर राव। ये चीज़ अपने माइंड में सेट रखना कि सबसे एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा दिमाग किसने चलाया, सबसे ज़्यादा प्रिसाइजली किसने नेशनल इनकम निकाली, डॉक्टर राव ने। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे सभी सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करा। तो हमारी पर्टिकुलर इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स थे। सबसे पहला हमारे पास होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है हमारे पास इंडस्ट्री, तीसरा होता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। ठीक है, एक एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। इंडस्ट्री में मेनली हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हमारे पास कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। फिर हमारा फॉरेन ट्रेड, हम फॉरेन ट्रेड में क्या करते थे मेनली उस टाइम पे, तो सब्सिस्टेंस ही होता था। बट इन्होंने किस तरीके से हमारे फॉरेन ट्रेड को डायरेक्ट करा अपने बेनिफिट के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा जी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया, देखो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, चार पॉइंट्स है मेनली। नंबर वन, विल स्टार्ट विद लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सर लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हम लोग बोलते हैं इसको जमींदारी सिस्टम। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को क्या बोला जाता है? जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिली थी। कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले तो होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि अगर तुम लोगों को हमारे साथ में मिलजुल के काम करना है, या तुम खुश रहना चाहते हो कि हम आपको परेशान ना करें, तो जितने भी ओनर्स हैं जिनके पास लैंड है उनको क्या बोलते थे? जमींदार्स। यही जमींदार्स होते थे, उनको बोलते थे जमींदार्स। तो जितने भी ऑनर्स ऑफ द लैंड है वो हमें क्या प्रोवाइड करें, एक फिक्स्ड रेंट प्रोवाइड करें, जो हम इनसे चार्ज करेंगे कि आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और इस रेंट के बदले में आप जितना चाहो टीनेंट से काम करा सकते हो अपनी जमीन के ऊपर। टीनेंट कौन होती थी? लैंडलेस लेबर या पुअर फार्मर्स, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, इन टीनेंट से पूरे पूरे दिन काम कराते थे, बहुत सारा उनको एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि इनके पास काम नहीं होता था, बेचारे गरीब किसान थे, इनके पास काम नहीं होता था, तो काम के बदले अपनी ज़मीनों पे इनसे काम कराते थे, इनको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। और उसके बाद इन्हें क्या देते थे बदले में, कुछ फसल दे देते थे बस, कि ये लो तुम्हारा खाना पीना चल जाएगा, तुम्हारा घर चल जाएगा। तो इनको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। उसके बाद जितना भी रेवेन्यू इनके पास आता था जमींदार्स के पास, उसका कुछ पोर्शन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे, बाकी सब ये इन्जॉय करते थे ऑन देयर लग्जरी, अपने जीवन पे लगाते थे सारा का सारा पैसा, लग्जरीज इंजॉय करते थे, लीजर टाइम एक्टिविटीज करते थे, फ्री टाइम पे इंजॉय करते थे। तो इन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं करी कि ये ज़मीन की थोड़ी सी केयर कर पाएँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी कोशिश नहीं करी कि वो ज़मीन का ध्यान रख पाएँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, टीनेंट भी एक्सप्लॉइट हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहा, ये पैसे से लग्जरी इंजॉय करते रहे। सबसे ज़्यादा ख़त्म क्या हुआ, एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लैंड खराब हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है, इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तीनों ही केस में टीनेंट बुरे तरीके से पिस गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पैसा कमा लिया, ये अपना एंजॉय कर लेते, एग्रीकल्चर खत्म हो गया और टीनेंट को बहुत एक्सप्लॉइट करा गया। इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। देखो क्या लिखा है, अंडर दिस सिस्टम द प्रॉफिट्स एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ऑनर्स ऑफ द सोइल, उनको ऑनर बोला जाता था, एंड दे हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। उन्हें गवर्नमेंट को फिक्स्ड रेवेन्यू देना होता था और वो फ्री थे कि टीनेंट से जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जमींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी ऑफ लाइफ, ये मेनली अपनी लाइफ की लग्जरी पे सारा पैसा खर्च करते थे। इन रिटर्न टिलर्स को सिर्फ फूड मिलता था या क्रॉप्स मिलती थी जो जमींदार उनको देते थे। समझे जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, सबसिस्टेंस था। सबसिस्टेंस का मतलब यानी कि हम लोग जो ग्रो कर रहे थे वो बस अपने लिए ग्रो कर रहे थे, हमें बिजनेस नहीं करना आता था, हम लोग तो बस इतना ग्रो करते थे कि हमारा घर का खर्चा चल जाए, राइट, घर में खाना आ जाए। अब ब्रिटिशर्स ने माइंडसेट को चेंज करा, ब्रिटिशर्स ने बोला ये फूड क्रॉप्स ग्रो करनी बंद करो, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो जिससे पैसा बनाया जा सकता हो, जैसे कॉफ़ी ग्रो करो, टी ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो,
कॉटन ग्रो करो, ये वीट राइस छोड़ो, क्या तुम वीट राइस वेजिटेबल्स में लगे रहते हो, इनसे कोई पैसा थोड़ी बनता है। पैसा बनेगा कॉफ़ी से, पैसा बनेगा इंडिगो से, पैसा बनेगा टी से, ये सब ग्रो करो। तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को शिफ्ट करा सबसिस्टेंस से कमर्शलाइज्ड, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। उससे क्या होता था, ये फसल पे पैसा कमाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ये जो जितनी भी क्रॉप्स हैं ना, ये हमारी सॉइल को, हमारे लैंड को काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। तो ये काफ़ी पुअर एक इम्पैक्ट डालता था इन सब चीज़ों के ऊपर। तो क्या लिखा है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हम मार्केट में बेचने के लिए नहीं बनाएंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाएंगे। इंडियन मार्केट्स आर सबसिस्टेंस बट ब्रिटिशर्स फिनिश द सबसिस्टेंस सिस्टम। ब्रिटिशर्स फोर्स फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, कॉटन, जूट, इंडिगो रादर देन फूड क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब एक एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का कारण ये भी हुआ कि इन सब चीज़ों से हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारी लैंड कितनी फर्टाइल है या कितनी फर्टाइल नहीं है, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये जितनी भी कैश क्रॉप्स हैं, ये लैंड को अनफर्टाइल बनाती थी। ज़मींदारी सिस्टम में सारा पैसा लिया गया लेकिन ज़मीन के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने उसकी फर्टिलिटी की ध्यान नहीं रखे। तो अल्टीमेटली हमारा जो रीजंस थे मेन प्रोडक्टिविटी कम होने के, वो क्या क्या थे, देखो, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे को, किसी ने कोशिश नहीं करी कि नई टेक्नोलॉजी मिले। कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, इंडियन रेनफॉल वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन, इंडियन एग्रीकल्चर वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, आई एम सो सॉरी, हमारा पूरा एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट था मेनली। ठीक है, नो फर्टिलाइजर्स, नो इंसेक्टिसाइड्स, नो पेस्टिसाइड्स, ये सब भी नहीं अवेलेबल थे। कल्टीवेटर के पास ना तो कोई मीन्स होते थे, ना ही कोई इंसेंटिव होते थे ताकि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए। ब्रिटिश रूल ने बिल्कुल भी खर्चा नहीं करा लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन, किसी चीज़ पे उन्होंने मेजर खर्चा नहीं किया था, तो हम काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहे। उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि पैसे की कमी रही, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी ने पैसा नहीं लगाया, जिस वजह से हम लोग काफ़ी पीछे हो गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर देख रहे हो किस तरीके से ख़त्म करा, चार मेजर रीजंस, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा जी, अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर देखो किस तरीके से इन्होंने ख़त्म करा। हमारी इंडस्ट्रीज कौन सी थी मेनली, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो हाथों से सामान बनता था। अब आप लोग खुद सोचो, अगर आपके सामने ही दो तरीके का सामान हो, एक वो जो हाथों से बन रहा है और एक वो जो मशीनों से बन रहा है, और जो मशीन से बन रहा है वो एक तो गुड क्वालिटी, ऑब्वियसली जो मशीन से बना होगा वो ज़्यादा बेटर वे में बना हुआ होगा, दूसरा आपको सस्ता भी मिल रहा है, तो आप कौन सा लोगे, ऑब्वियसली मशीन मेड पे शिफ्ट करोगे। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली बंद कर दिया। सिस्टमैटिकली मतलब ऐसा कोई बैन नहीं लगाया, और बंद भी हो गई, खुद ही बंद हो गई। कैसे, उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ड्यूटी फ्री, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, ड्यूटी फ्री मतलब कोई टैक्स नहीं, वहाँ से क्या बना के लाते थे, मशीन मेड फिनिश गुड्स, वो भी बिना टैक्सेस के, इम्पोर्ट ड्यूटी भी कोई नहीं, फ्री में आता था। मशीन मेड आ गए, मार्केट में एंटर कर गए, मार्केट में अब हमारे हैंडमेड गुड्स को कंपटीशन मिलने लगा, क्योंकि हाथों से बने हुए चीज़ में समय भी लगता था बनने में, महंगा भी होता था, अवेलेबल भी नहीं होता था जल्दी से, जबकि उनके गुड्स जो थे जल्दी बन जाते थे, मशीनों से बनते थे, हाथों हाथ अवेलेबल हो जाते थे, सस्ते होते थे। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी मशीन मेड गुड्स की, हैंडमेड गुड्स की डिमांड कम होने लगी, लोगों ने धीरे धीरे हैंडमेड सामान लेना ही बंद कर दिया। आज भी तुम देखो ना, सब तो मशीनों से बाय करते हैं हम, अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्रीज खुद ही बंद होने लगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज का बंद होना। ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यहाँ से चीपर रेट पर रॉ मटेरियल लेके जाते थे, एंड यूज देम इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। सेल्फ फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज वो यहाँ पे लेके आते थे, बेचते थे उनको अच्छे प्राइसेस पे। दिस टू फोल्ड पॉलिसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज उन्होंने खत्म करी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब टैक्सेशन सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। टैक्सेशन सिस्टम में कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, टैक्सेस लगाए जाते थे, किस चीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, अगर हमें कोई चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है जो कि हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उस पर तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप नहीं कर सकते, आपका बिजनेस नहीं बढ़ना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है वो फ्री में होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं, तो अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है वो ड्यूटी फ्री, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना है वो आप नहीं कर सकते,
वहां से फिनिश गुड्स आने हैं वो भी ड्यूटी फ्री, तो भैया ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? तुम्हें अपना सामान मंगाना है देश में तो फ्री में आएगा, हमें अपना सामान बाहर बेचना है तो हम नहीं बेच सकते। यही तो उनकी पॉलिसी थी, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिश फाउंड इंडियंस द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगाई, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, रॉ मटेरियल फ्री में जाएगा, ब्रिटिश गुड्स फ्री में आएंगे। इससे क्या होने लगा, उन्होंने इंडियन मार्केट्स में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होते चले गए। कॉम्पिटिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या फेस करने लगी थी, कॉम्पिटिशन फेस करने लगी थी इंडियन इंडस्ट्रीज को, लगने लगा था कि भाई अब तो काम नहीं हो पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज शट डाउन होती चली गई। लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP, इंडस्ट्रीज का जो मेनली कॉन्ट्रीब्यूशन था GDP में वो ना के बराबर हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, पैसा मिल नहीं रहा था, कमा कुछ नहीं रहे थे, तो अल्टीमेटली GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिरने लगा। इससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे देश के ऊपर? देखो हमारे देश पे ये इम्पैक्ट आया कि एक तो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम हैविली डिपेंडेंट हो चुके थे बाहर वाली कंट्री के ऊपर फॉर फिनिश गुड्स, हमारे देश में तो बन नहीं रहे थे, हम मेनली डिपेंडेंट हो गए ब्रिटेन के ऊपर कि हम सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करेंगे। उससे हमारा एक्सचेंज बहुत सारा बाहर जाता था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, द कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती है, मशीन टूल्स इस तरीके की चीज़ें बनाती है, जो कि हमारे देश में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। हम लोग बाहर डिपेंडेंट थे अदर कंट्रीज पे फॉर कैपिटल गुड्स, जो कि हम आज भी हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। इसके बाद आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कुछ खास रोल नहीं निभा रहा था उस टाइम पे। पब्लिक सेक्टर मेनली किस में लगा हुआ था, रेलवेज में, कम्युनिकेशन में, पावर में और पोर्ट्स में, ये उनके मेजर सेक्टर्स थे जिन पे हमारी पब्लिक यानी गवर्नमेंट काम कर रही थी। पब्लिक सेक्टर ने कोई मेजर रोल नहीं निभाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज, किस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किस तरीके से टैरिफ पॉलिसी रही डिस्क्रिमिनेटरी, किस तरीके से कंपटीशन रहा मशीन मेड गुड्स का, किस तरीके से GDP में कम से कम कंट्रीब्यूट हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे ख़त्म होती चली गई, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कैसे किस तरीके से समाप्त हुई, ये सब इसमें आ जाता है। अब आता है बच्चे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक कि पार्टीशन से, ये जो हम आज़ाद हुए उसके बाद पार्टीशन हुआ, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ा। सबसे पहला लॉस ऑफ मार्केट, लॉस ऑफ मार्केट का मतलब आप कुछ सोचो ना कि अगर आज सब एक ही होता तो और कितना बड़ा मार्केट होता। इंडिया आज इतना बड़ा मार्केट है, अगर सब एक होता तो और बड़ा मार्केट होता इंडिया, इंडिया और भी लार्ज स्केल पे काम कर रहा होता। तो हमें सबसे पहला जो लॉस है वो लॉस ऑफ मार्केट का है। दूसरा लॉस ऑफ मैन पावर, हमें मैन पावर भी और अच्छा और स्किलफुल और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकते थे, जो हमारा बंटवारा होने के बाद बहुत सारे लोग उधर भी चले गए, तो हमें ये भी लॉस ऑफ मैन पावर हुआ है। तीसरा फूड प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा बहुत सारा ऐसा फर्टाइल लैंड था जो हमारा सिंध वाले एरियाज़ में था, या अभी जो पंजाब उधर है पाकिस्तान में है उस वाले एरिया में था, वो उस टाइम पे हमें बहुत नुकसान हुआ उस चीज़ का कि हमारा बहुत सारा फर्टाइल लैंड उधर चला गया, तो फूड इश्यूज भी इनिशियल फेसेस में रहे। अभी तो सब कुछ बैलेंस्ड है बट उस टाइम पे रहे। उसके साथ साथ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमारी जो मोस्ट फर्टाइल लैंड थी जहाँ से सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल आता था, जूट प्रोड्यूसिंग लैंड थी, वो पाकिस्तान में चली गई, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है, क्योंकि फर्दर पाकिस्तान में भी बंटवारे हुए तो आज की डेट में बांग्लादेश में है, बट फिलहाल एक बार तो हमारा नुकसान हो चुका था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टीशन क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द जूट मिल्स ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड अहमदाबाद, द होल फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश में है, ठीक है। फूड प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ, वेस्ट पंजाब और सिंध जो मेजर फूड जहाँ पे प्रोडक्शन होता था वो भी पाकिस्तान में गया एरिया, मार्केट का लॉस भी काफ़ी बड़ा हुआ था। अब हमारे देश का अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें बेटा जी, तो फॉरेन ट्रेड हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं पूरा, वही तीन चीज़ें आपको फॉरेन ट्रेड में लिखनी है। सबसे पहला कि हम किस चीज़ के एक्सपोर्टर बन चुके थे, याद रखना इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल। हम मेनली क्या एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, और क्या इंपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स। इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्या मतलब होता है, फिनिश गुड्स का मतलब होता है बना बनाया सामान। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे, हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट करेंगे।
यहाँ से ब्रिटिशर्स की यही पॉलिसी थी कि जो उनका मेजर फॉरेन ट्रेड था वो यही चाहते थे, राइट। मोनोपोली कंट्रोल हो गया ब्रिटिश रूल का, यानी जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड था वो मेनली ब्रिटेन के साथ होने लगा। इसी तरीके से चीज़ें चलने लगी, ब्रिटेन ने ही सारी चीज़ें करी। उसके बाद ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का क्या मतलब होता है? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब होता है कि हमारी सारी वेल्थ, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था, हमारी जितनी भी रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर सकते थे उन्होंने यूटिलाइज किया। हमारे कोल माइंस, हमारे वेल्स अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट करी हर चीज़। तो ब्रिटिशर्स ने पूरा फ़ायदा उठाया, यहाँ से जितना एक्सप्लॉइट करके ले जा सकते थे सब लेके गए। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। हमारा सारा पैसा जो भी वो कमाते थे वो वॉर पे लगाते थे, इंपोर्ट करते थे सर्विसेज, बैंकिंग जैसी, उसके अलावा पेमेंट सारी की सारी अपनी करते थे जो उनके ऑफिसेस ब्रिटेन में थे। तो ये उनका मेजर पॉलिसी था, इस तरीके से उनका फॉरेन ट्रेड रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना बच्चे, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो बेसिक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मोनोपोली कंट्रोल में क्या याद रखना है कि मेनली जो हमारा ट्रेड हो रहा था मोर देन 50% वो ब्रिटेन में हो रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एक स्यूज कैनाल ओपन किया था 1869 में। स्यूज कैनाल एक डायरेक्ट रूट है, एक पानी का रास्ता है जो कि एक शॉर्टकट बना ऑफ शिप्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। यहाँ से वो सारा सामान ईजिली ले जा पाते थे। ये डेट याद रखना, स्यूज कैनाल 1869, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ किस तरीके से हुआ। इसके बाद बेटा जी हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देख लो। ऑक्यूपेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, हम किस तरीके का बिजनेस करते थे, क्या बिजनेस करते थे, क्या हमारा काम रहा है, क्या हमारा ऑक्यूपेशन रहा है, ये आपको यहाँ पे सीखना है। मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। वट वॉज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन? एग्रीकल्चर। ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। लगभग 75% ऑफ द पॉपुलेशन किस में एंगेज थी? एग्रीकल्चर में एंगेज थी। देखो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अबाउट 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन बिलोंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। रीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर बढ़ा था, कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर कम हुआ था, ठीक है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका फेस द डिक्लाइन इन द वर्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे डिक्लाइन देखने को मिली, वेयर एज एन इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ये किधर बढ़ गए? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो गए। ऑन द अदर हैंड ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पे एग्रीकल्चर में वर्क फोर्स बढ़ा, इनमें इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो याद रखना, ये ज़रूर आ सकता है कौन सी स्टेट्स में कम हुआ, कौन सी स्टेट्स में बढ़ा। तीसरा आता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का क्या मतलब होता है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है बेटा जी कि बहुत ही ज़्यादा जो ग्रोथ थी कुछ रीजन्स में तो बहुत अच्छी थी, कुछ रीजन्स में बहुत कम थी, कहीं पे अनबैलेंस्ड, कहीं पे आप देख रहे हो एग्रीकल्चर ही बढ़ रहा है, कहीं पे आप देख रहे हो बस इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो ऐसा हुआ, हमें अपने देश में बैलेंस ग्रोथ कभी देखने को नहीं मिली। कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स बहुत कम बढ़ रहे हैं, ये हमें नॉर्मली देखने को मिला, ठीक है। इंडस्ट्री एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, मेजर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में ही थी, इंडस्ट्री में थी लेकिन ना के बराबर थी। 9% लिखा हुआ है, देखो 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, तो 75 एग्रीकल्चर में हो गई, 9% इंडस्ट्री में हो गई, बाकी कुछ सर्विस सेक्टर में हो गए, कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। दैट वाज अवर ऑक्यूपेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा जी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा है? हाउ वॉज द इंफ्रा? जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ब्रिटिशर्स ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया। ये ब्रिटिशर्स का सबसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो हम बोलते हैं रेलवेज। रेलवेज सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्रिटिश का। आज भी आप देखो कि हमारे देश में इतने सारे बड़े बड़े जो पुराने ब्रिजेज हैं, पुराने डैम हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पर वो आज भी खड़े हैं, जबकि हमारे नए बनाए हुए डैम्स इधर उधर हो गए हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रा तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करा। क्या क्या? सबसे पहले उन्होंने डेवलप करा रेलवेज 1850, ये डेट याद रखना। इंडियन रेलवेज जो सेटअप हुआ था वो 1850 में सेटअप हुआ था, ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था। पर्पस उनका अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था, पर्पस उनका अपना सामान पूरे इंडिया में स्प्रेड करना था, दैट वॉज देयर पर्पस। बट फिर भी रेलवेज एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। दूसरा आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने हमारे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत डेवलप करा, एयरवेज बनाए और सी वेज तो आप जानते ही हो, स्यूज कैनाल ओपन करा, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की, वाटर पोर्ट्स बनाए,
राइट, रोड्स डेवलप करी ताकि वो अपनी आर्मी मोबिलाइज कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए बच्चे मेनली पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट डेवलप करा सो दैट वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें, लोगों को डरा सकें, लोगों को पनिशमेंट सुना सकें। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेनली उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आप साथ साथ बना पाएं ताकि। नेक्स्ट आता है रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स क्यों डेवलप करी थी, मैंने आपको बताया ही, एक तो रॉ मटेरियल आसानी से पोर्ट तक पहुंचा सके, उसके अलावा फिनिश गुड्स जो आ रहा है वो हर लोगों तक पहुंचा सके। रेलवे क्यों डेवलप करा था, रेलवे बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के अंदर स्प्रेड कर सकें, इफेक्टिव कंट्रोल हो सके पूरी इंडियन टेरिटरी पे, प्रॉफिट कमा सकें अच्छे से रेलवे से सब जगह तक सामान पहुंचा के, यही उनका मेजर पर्पस था। ठीक है, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएं, ये याद रखना, ये भी उनका एक पर्पस रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास, व्हाट वाज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया कि हम कितने कैपेबल हैं। हम सिर्फ उतना ही ग्रो कर रहे थे जितना हमें सेल्फ सफिशिएंसी के लिए चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करा, हमें सिखाया कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी नहीं, आप बफर भी कर सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप बाहर बेच भी सकते हो, आप सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप पूरे देश को खाना खिला सकते हो, पूरे वर्ल्ड को खाना खिला सकते हो। ये यहाँ पे आया। फोर्स कमर्शलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल लेड टू ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की सोच बदली, फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग द मार्केट एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर प्रोडक्शन डिसीजन, यानी अब फार्मर्स ने मार्केट को समझना शुरू करा, बिजनेस को समझना शुरू करा। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया ब्रिटिशर्स का, ये भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहा है हमारे देश को, उन्होंने हमें पूरा रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन सब डेवलप करके दिया। चेक ऑन फेमाइंस, फेमाइंस का मतलब होता है बेटा कोई नेचुरल कैलेमिटी आना, सूखा पड़ना, तो अगर कुछ भी ऐसा अब होता है, कहीं पे भी कोई ऐसी कैलेमिटी आती है, क्या हमारी तरफ से हेल्प इमीडिएटली पहुंच जाती है, हमारे हेलीकॉप्टर्स इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, हमारे रोड्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इमीडिएट हेल्प पहुंच जाती है या नहीं पहुंच जाती है? तो हम लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फेमाइंस के ऊपर भी बेटर कंट्रोल रख पा रहे थे। इसके बाद आता है शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज। पैसा बनाना हमें किसने सिखाया, ब्रिटिशर्स ने सिखाया। हम लोग कभी पैसे के बारे में सोचते ही नहीं थे, हम लोगों को पता भी नहीं था कि मनी है क्या। मनी किसने इंट्रोड्यूस करा, मनी इंट्रोड्यूस करा गया हमारे देश में ब्रिटिशर्स की तरफ से, राइट। तो ब्रिटिशर्स का काफ़ी हेल्प रहा है मनी को इंट्रोड्यूस करने में हमारे देश के अंदर, मॉनेटरी सिस्टम डेवलप करने में। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किसने बना के दिया, देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मेंटेन होगा, इस सब का ज्ञान हमें किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया। ब्रिटिशर्स ने हमें एक रेडीमेड सिस्टम बना के दिया, और उस रेडीमेड सिस्टम के अंडर हमारे जितने भी फर्दर जिन्होंने हमारा चीज़ें डेवलप करी, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करा, हमारे लीडर्स, उनके लिए ऑलरेडी एक सेटअप था सिस्टम की किस तरीके से आपको चलाना है, बस उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करा, चीज़ें तैयार कर दी। तो क्या लिखा है, दिस सर्व्ड एज अ रेडीमेड रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डेवलप हो गया। तो दिस वॉज द पॉजिटिव्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक तरीके का क्रक्स है कि इंडियन, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका क्रक्स है ये कि इंडियन इकॉनमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब कि उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया था कि वो हमारे रूलर हैं और हम उनकी कॉलोनी हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रहा है। सेमी फ्यूडल, सेमी फ्यूडल का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में दो क्लासेस डेवलप कर देना, जैसे ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम से कर दिया था ना कि जमींदार अलग हैं, टीनेंट्स अलग हैं। काम कौन करेगा, गरीब टीनेंट्स करेंगे, पैसा कौन कमाएगा, जमींदार कमाएंगे। इसी तरीके से हमारी इकॉनमी में एक माइंडसेट डेवलप हो चुका था जिसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि कौन ऊपर कौन नीचे। ऐसी इकॉनमी जहां पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों को क्लासेस के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकॉनमी। तो देखो लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम लेड लैंडलॉर्ड्स टू चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूअल। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। कैपिटलिस्ट का मतलब कि जो लोग मालिक होंगे, लेबरर्स का मतलब जो लोग लेबर करेंगे। स्टेगनेंट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, स्टेगनेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस में चलने वाली इकोनॉमी, एन इकोनॉमी ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। ये हमारे पास स्टेगनेंट थी हमारी इकोनॉमी, बैकवर्ड हम सब जानते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं थी।
ट्रेडिशनल मेथड्स थे, एग्रीकल्चर का कोई नया मेथड नहीं था, पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो था, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं होती थी। डिप्लीटेड का क्या मतलब होता है? डिप्लीटेड का मतलब होता है बच्चे कि जिनका रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे गए हों, हर तरीके से डिप्लीट कर ली गई, हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई, तो हमारी इकॉनमी बहुत ही डिप्लीटेड इकॉनमी थी। एम्प्यूटेटेड का क्या मतलब होता है? एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है डिवाइडेड, बटी हुई। आज भी आप देखते हो हमारे देश में डिवाइड एंड रूल चलता है, हर जगह हर सिस्टम पे कलर कास्ट रिलीजन जेंडर के बेसिस पे डिवीजन करा जाता है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो उन्होंने यही किया था, ये सब ब्रिटिशर्स का करा धरा है, जहाँ पे आप सब अपने आप को अलग 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 कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कंसिडर करवाई कि तुम सब अलग हो, कोई एकता नहीं है तुम्हारे अंदर, यूनिटी ख़त्म कर दी गई, डिवाइड एंड रूल यही उनकी पॉलिसी थी। तो हमारी इकॉनमी वॉज एम्प्यूटेटेड इकॉनमी, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्या है बच्चे? इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थी क्योंकि किसी ने काम नहीं किया था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कोई भी पब्लिक सेक्टर ने पैसा नहीं लगाया था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इंडस्ट्रीज़ में बहुत दिक्कत रही। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है? अगर मैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूँ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम लोग ना कुछ बेसिक फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि बर्थ रेट डेथ रेट इस तरीके के फैक्टर्स। तो देखो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में सबसे पहले आता है कि हमारा जो बर्थ रेट था वो भी बहुत हाई था और डेथ रेट था वो भी बहुत हाई था, यानी जिस स्पीड से बच्चे पैदा हो रहे थे उसी स्पीड से मर भी रहे थे। अब डेथ रेट में तो ओवरऑल डेथ्स आ जाती हैं, तो डेथ रेट हाई था बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। लिटरेसी रेट ना के बराबर, बिल्कुल लो लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं थी, ना के बराबर ही लिटरेसी रेट रहा है। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड नहीं था, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ही पुअर थी, जिस वजह से ये भी एक बर्थ रेट डेथ रेट भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस रहा है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है? जिन बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल से पहले पहले, तो दिस वॉज ऑल्सो वेरी हाई, बहुत हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट रहा है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग बहुत ही कम जीते थे, एवरेज लाइफ आज की डेट में 60-65 साल हर आदमी एवरेज बेसिस पे जी रहा है, उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे 32 के आसपास था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत ही ज़्यादा थी, तो एक्सट्रीम सिचुएशन थी। तो देखो क्या लिखा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 एंड द नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 वो 48% और 40% था। हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत हाई था, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 32 ईयर्स की थी। लिटरेसी रेट ना के बराबर था, 7% लिटरेसी रेट था। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। अब बच्चों ये जो डेटा है ना 7%, ये 32, 48, 40, तो डेटा के लिए याद रखना, आप अगर डेटा लर्न कर रहे हो तो लेटेस्ट NCERT को फॉलो करना बच्चे, और कोई चीज़ फॉलो मत करना। CBSE सबसे पहले तो डेटा वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, डोंट वरी, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि डेटा रटे क्या, नहीं, आपको बस पता होना चाहिए, एक बार गो थ्रू किया होना चाहिए, अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, तो डेटा से घबराना मत। डेट्स ज़रूर याद करो, जैसे रेलवे कब चला, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, इस तरीके से, है ना, ये डेट ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं, ये पता होने चाहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा दूंगा। अच्छा जी, अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें रह गई, जैसे हमारा पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया। पहला ऑफिशियल सेंसस क्या होता है बच्चों? जब जनसंख्या काउंट होती है, पॉपुलेशन काउंट करी जाती है, तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था। उसके बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद हम जनसंख्या काउंट करते हैं, ठीक है। 1921 इज द ईयर जिसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब इस पर्टिकुलर ईयर के बाद हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में एक डिफरेंट ट्रांजिशन आ गया। हमारी पॉपुलेशन पहले जिस रेट से ग्रो कर रही थी, अब एक अजीब ही रेट से ग्रो करने लगी, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करने लगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में 1921 से पहले कुछ और फेज था, 1921 के बाद कुछ और ही तेजी से बढ़ने लगी, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। पॉपुलेशन ट्रांजिशन इस ईयर से आया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद बेटा जी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। रेलवेज 1850, स्यूज कैनल 1869, पहला सेंसस, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, टाटा स्टील एंड बैटल ऑफ प्लासी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर नंबर 1 फॉर इंडियन इकोनॉमी इज ओवर। आई होप आप लोग को ये काफ़ी हेल्प करेगा, और मैं इसी तरीके से आपको वन शॉट में पूरी इंडियन इकोनॉमी कराने की कोशिश करूंगा। जो चैप्टर्स बहुत ही बड़े हैं
वो मैक्सिमम दो पार्ट्स में और प्रॉपर प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, सभी के साथ शेयर करना और साथ साथ तैयार करते चलो। थैंक यू।